नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन नूडल्स की रेसिपी। एकदम इंडियन स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों घर में। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, एकदम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच से भी कम डार्क सोया सॉस डालेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और चिकन मैंने बोनलेस लिया है। चिकन को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है एकदम अच्छे से मैरिनेट होकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक चूल्हे पर रखेंगे पैन और एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम चिकन के पीसेस को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। चिकन को हम एक साइड कम से कम 1 मिनट पका लेंगे। चिकन को पकते हुए एक साइड 1 मिनट हो गया है। अब चलिए इसे हम पलट लेते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पलट लिया है। अब इसे कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट, या फिर तब तक जब तक कि चिकन पूरी तरह से गल नहीं जाता। जब तक चिकन हमारा पक रहा है तब तक हम नूडल्स को उबाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। नमक डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम तेल डालेंगे और पानी में हम अच्छा उबाल आने देंगे। चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा चला लेते हैं और ये देखिए चिकन जो है खुद का पानी छोड़ दिया है। अभी इसे हम कवर करके 3 मिनट और पकाएंगे और ये इसी पानी से अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएगा। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, अब हम नूडल्स को डाल देंगे। और इसे पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। नूडल्स को हम थोड़ा फैला लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। नूडल्स को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और 90% कुक होकर तैयार हो गया है। इसे हम 100% नहीं कुक करेंगे। चलिए इसे पानी से छान लेते हैं। नूडल्स को मैंने पानी से छान लिया है। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि जो इसकी कुकिंग है वो यहीं पर रुक जाए, ये ओवर कुक ना हो। और इधर हमारा चिकन भी पककर तैयार हो गया है और इसका जो पानी था वो भी एकदम अच्छी तरह से सूख गया है। और चिकन को मैंने पकाते समय गैस की फ्लेम को लो रखा था। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर। 3 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को एकदम धुआं आने तक गर्म होने देंगे। नूडल्स को मैंने छान के एक बड़े से थाली में निकाल लिया है। अब एकदम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को हम नूडल्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे नूडल्स जो हैं एकदम खिले खिले रहते हैं काफ़ी देर तक। अब यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया है और इसको काट लिया है। पत्ता गोभी है, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च, ये सारे सब्जियों को मैंने काट के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरा प्याज, एक हरी मिर्च और लहसुन है कुछ, इनको मैंने काट लिया है। और इधर हमारा तेल भी एकदम अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कुछ सेकेंड्स के लिए पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज,
प्याज को और लहसुन को हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है हमें, बस इसको सौते करेंगे। तो प्याज को सौते कर लिया है मैंने। अब हम सारी सब्जियों को डाल देंगे, गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च को भी डाल देंगे, मिला लेंगे इसे और बाकी सब्जियों को भी हम डाल देंगे। हम सब्जियों को मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे विनेगर और एक चम्मच भर के डालेंगे टोमेटो केचप, एक चम्मच डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। अब हम इन सारे सॉसेस को अच्छी तरह से मिला लेंगे और सब्जियों को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस एक मिनट ही पकाएंगे ताकि इसमें जो क्रंच है बना रहे। सब्जियों को पकते हुए एक मिनट हो गया है और सब्जियों को मैंने हाई फ्लेम पर ही पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे नूडल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, कटा हरा प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और चाउमीन को उबालते समय भी हमने नमक डाला है। मिक्स कर लेंगे। नूडल्स और सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। अब चिकन को ये नूडल्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नूडल्स बनकर तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे और चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, चिकन नूडल्स बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।